सहारनपुर से खबर है जहां पर पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जबकि 8 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद तीनों अभियुक्त माफी मांगते हुए दिखाई दिए, साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी न गलती करने की कसम भी खाई। आपको बता दें शुक्रवार शाम को जनकपुरी थाना इलाके के शांति नगर में 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी जिस पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर चलने के बाद न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ और पुलिस ने कार्रवाई भी की और ये सभी आरोपी ऐसी गलती दोबारा ना करने की कसम खाते हुए भी दिखाई दिए। लड़ाई झगड़े की सूचना पर वहाँ पे पीआरवी और जो हमारी लोकल चीता है वो पहुंचती है वहाँ पे लेपर्ड, और जो लेपर्ड पे वहाँ पे पुलिसकर्मी वहाँ पे जो लेपर्ड पे थे उनके द्वारा वहाँ पर लोगों को जब समझाया जा रहा था, एक पुलिसकर्मी द्वारा पूरी घटना का जो वीडियो बनाया जा रहा था, तो कुछ लोग उग्र होकर जो वीडियो में दिख रहा है उन्होंने 2 से 3 लोगों ने वहाँ पे सिपाही के साथ दस्तलूकी करी। एक जो वहाँ पे युवक दिख रहे हैं उनके द्वारा उनको चाटा भी मारा गया पुलिसकर्मी को, और जब पूरी घटना का वीडियो देखा गया और तुरंत ही इसमें सिपाही के द्वारा इसमें लोकल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। टोटल 8 लोग इसमें नामजद कराए गए हैं इस मुकदमे में, और इसमें से हमने 3 लोग मेन लोग उसमें से दिख रहे हैं बसलू की और दुर्व्यवहार करते हुए उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। एटा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। गांव में लगी स्ट्रीट लाइट जलाने को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। थाना बागवाला क्षेत्र के जलालपुर गांव की घटना है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कानपुर देहात से खबर है जहां पर दबंगों ने लाठी डंडों से महिला को पीट पीट कर घायल कर दिया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रूरा थाना क्षेत्र के टिढ़वा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में मोबाइल की किश्तों को लेकर 2 पक्षों में पहले झगड़ा हुआ और फिर मारपीट हुई। इस विवाद में एक युवक की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना थाना जमुना पार्क के किनारा ही गांव की बताई जा रही है। खबर हापुड़ से है जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दबंग अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टाफ से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी जिसके बाद 3 से 4 की संख्या में दबंग अस्पताल पहुंचे और मारपीट करनी शुरू कर दी। वायरल वीडियो पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में 5 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी रिश्ते में पीड़ित बच्ची का भाई है और बताया जा रहा है कि देर रात को बच्ची अपनी मां के साथ में सो रही थी। आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया। बच्ची को ले जाते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपी को पकड़कर इलाके के लोगों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, बताया जा रहा है कि रिश्ते का भाई है उसका और ये उसको उठा ले गया था घर से। ये इसकी जांच की जा रही है और परिजनों से बात की गई है। उन्होंने बताया है कि ये रिश्ते में दूर का भाई लगता है। सभी पहलुओं पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और जल्दी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की कैसी हालत है? बच्ची की हालत ठीक है।